सुरेश रॉय का सवाल है झारखंड से। वॉकहार्ट पर क्वांटिटी मेंशन नहीं किया है लेकिन परचेजिंग प्राइस इनका 974 का है। फार्मा स्टॉक्स में लगातार बिकवाली हो रही है, वॉकहार्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है, इनके परचेजिंग प्राइस से नीचे आ चुका है, क्या करना चाहिए? और वॉकहार्ट के साथ साथ पंकज में ल्यूपिन पर भी आप कॉमेंट्स लेना चाहूंगे। मंदीदीप यूनिट को लेकर जो फॉर्म 483 मिलने की खबर आई उसके बाद एक स्टीप डाउनसाइड रिएक्शन स्टॉक में देखा गया है, अपने एक सवा साल के निचले स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर हो गया है पिछले 2-3 महीने में फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिस तरह से बिकवाली आ रही है बिकॉज ऑफ से यूएस एफडी एक्टिविज्म, और ये एक्टिविज्म कब जाके कहाँ थमेगी इट्स डिफिकल्ट टू से। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि दोनों शेयर में, चाहे वो ल्यूपिन हो चाहे वो कार्ड हो, अगर एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज और 20 डेज, मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी में आई थिंक बोथ आर कंपेलिंग बाय और कंपेलिंग होल्ड। ल्यूपिन काफ़ी सीरियसली करेक्ट हो गया, मंदीदीप यूनिट जो कि उनका सबसे सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है आफ्टर गोवा प्लांट जो यूएस सप्लाई करता है, बट आई थिंक ल्यूपिन मैनेजमेंट एज सच इज प्रिटी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग मोस्ट ऑफ दिस इशूज। तो ल्यूपिन में जो एक भारी गिरावट आई है, मेरे को लगता है कि जो एक सीरियस प्लेयर्स हैं, लॉन्गर टर्म प्लेयर्स हैं, मीडियम टर्म प्लेयर्स हैं, उनको एंट्री लेनी चाहिए, और जो ऊपर के स्तर पे अगर इसमें अटक भी गए हैं आई थिंक नीड नॉट वरी, आई थिंक जस्ट हैव पेशेंस, स्टे विद द स्टॉक। वॉकहार्ट में भी मेरे को लगता है जो नेगेटिविज्म थी ये काफ़ी नीचे से काफ़ी रैली भी किया है पिछले कुछ एक हफ्तों में स्टॉक ने, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन द स्टॉक और कैपेबल है स्टॉक आफ्टर ऑल दिस एक्टिविज्म सबसाइड्स टू रैली ऑन द अपर साइड। तो दोनों स्टॉक में मैं कहूँगा कि बने रहिए, ल्यूपिन में जो लोग एंट्री करना चाहते हैं आगे बढ़कर खरीदारी कर सकते हैं।